लंदन में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो बयान दिए उसे लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है। बीजेपी उन पर विदेश में भारत के अपमान करने का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रही है, लेकिन जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो बीजेपी उन्हें आसानी से माफ करने को तैयार नहीं और राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने को लेकर संसद लोकतंत्र और संस्थाओं का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग भी कर दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है, जिसमें राहुल गांधी पर उनकी ही दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयान के जरिए वार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी इंदिरा गांधी के उस बयान को जनता के सामने लेकर आएगी जो उन्होंने आपातकाल की घटना के बाद पहली बार लंदन दौरे पर दिया था। आपातकाल लगाने के बाद कांग्रेस की हार हुई और इंदिरा गांधी जेल भी गई थी। छूटने के बाद वे लंदन गए, वहाँ एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ उनसे पूछा गया, आपको जेल भेजा गया, आपकी पार्टी हारी, तो देश में इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं? इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में भारत या सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि यह देश का आंतरिक मामला है और इसे आंतरिक स्तर पर ही उठाना बेहतर होगा। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंदिरा गांधी के इसी बयान का जिक्र भी किया है कि इंदिरा गांधी ने लंदन में जाकर भी देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बीजेपी इंदिरा गांधी के इस बयान को आक्रामक तरीके से अब लोगों के बीच में लेकर जाएगी, जिससे राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल ने अपनी दादी से ही कुछ सीख लिया होता तो वे विदेश में ऐसी बातें नहीं करते। उन्हें बिना देरी किए माफी मांगनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।